तो भाई सोनी का कर रहा अपनी 9th month प्रेगनेंसी, तो अपना दूसरा मंथ, सॉरी 9th month का दूसरा दिन आज, तो अपनी प्रैक्टिस करना है, थोड़ी एक्सरसाइज करा है। पैर सीधा रखो, नीचे वाला घुटना टाइट रखो, आराम आराम से आपकी अक्षमता के अनुसार करना अपने। हाँ, आराम आराम से, आराम आराम से। अभी उस साइड की बजाय आप जो नीचे वाला पाओ ना, इस पाओ की तरफ गर्दन लेके आओ, पैर उड़े रहने दो, वो वाला पैर रहने इधर। हाँ, आराम आराम से, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, आराम आराम से करनी है। अभी इसी ने सेम की सेम गर्दन ने घुटना का टच करने की कोशिश करो, आराम आराम से, आराम आराम से, थोड़ी थोड़ी, बस बस बस, पूरा नहीं, पूरा नहीं करना आपने। अभी वो नहीं, आपकी प्रेगनेंसी चल रही, वो नहीं है, पहले वाला शरीर नहीं है, आराम आराम से करना है, आराम, बस इतना नहीं जाना है, और कम, बिल्कुल हल्का सा जाना है, मैं शरीर के पैरों में थोड़ा लोड पड़ा, मसल थोड़ी सी खस है बस। हाँ ठीक है, ज्यादा मत, हाँ पेट पाथ रखना थोड़ा सा, और नीचे ज्यादा नहीं जाना है, तेना जितना तेना कंफर्टेबल, हाँ जितना तेना आरामदायक है, सिर्फ इतना ही, ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया। एक आपने थोड़े से शूज पहनने में थोड़ा सा, अगर जूते की बजाय, चप्पल की बजाय, कम्फर्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन प्रैक्टिस एक्सरसाइज के दौरान शूज बहुत जरूरी है। चलो पाँव पाँव उठाओ, थोड़े पाँव खोलो, हाँ ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया, ज्यादा नहीं खाओ, उठाना थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, हल्का हल्का उठाना अपने। हाँ और कम, और कम, साइड में निकालना पैर थोड़ा थोड़ा, बहुत बढ़िया, इतना नहीं, ऊपर तो शरीर ना मोड़ा, सिर्फ पाँव उठाने की बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अपने शरीर के अनुसार, वो भी मेरी तरफ आओ। हाँ और कम उठाओ, तो नॉर्मल ग्राउंड के हिसाब से उठाना लग रही, इतना नहीं उठाना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जितना कंफर्ट हो उतना उठाओ। हाँ पैर उठाओ, पैर उठा के साइड में, हाँ साइड में, बहुत बढ़िया ऐसे। हाँ पाँव उठाना है, फिर दूसरा पाँव भी उठाना है, ऐसे नहीं करो, दूसरा पाँव भी उठाना है साथ में, हड़का हड़का। हाँ थोड़ी पैसा की मसल मजबूत हो, क्यों प्रेगनेंसी में, तमें पहली बात तो ज़्यादा काम दाम इतना करो को नहीं, और दूसरी बात ठाले बैठे बैठे। हाँ सेम सेम सेम, इब अपनी नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज आ गई है नेक्स्ट, तो हाँ पाँव रखो इसको, प्रोधी पाँव रखो बिल्कुल सही। हाँ सीधा, हाँ सीधा, मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे, घुटना बेंड करो। हाँ एक सेकंड रुको, पैर सही नहीं आपका, घुटना ना मुड़ते रहो, मेरी तरफ देखो पहले, पैर नीचे वाला सीधा, इसको दबाओ थोड़ा थोड़ा, ऊपर वाले को थोड़ा थोड़ा बेंड करते रहो। हाँ आराम आराम से, इतना नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा पुश करना है बार बार। हाँ बस थोड़ा और कम, हाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। ये वाला हाँ करो करो करो, जैसे इसके आपकी मतलब आपका अनुसार, पहली बात तो हाइट के अनुसार पैर रहोगे, जैसे आपने नीचे वाला पैर है थोड़ा ज्यादा खोल रखे, उसको कम कर सको आप थोड़ा सा, और कंफर्ट है बिल्कुल। और दूसरी बात है, जो इसके 10-12 करने हैं एक में, एक रैप में 10-12, और इसके दो तीन 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 दो दो तीन तीन सेट तो जरूर करो, 2 या 3 सेट डेली एक्सरसाइज में, ज्यादा नहीं एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज कर लो बहुत है, 4 एक्सरसाइज है, 3 सेट करोगे टोटल 12 होगी, बहुत ज्यादा हो जाओगी, तो आराम आराम से। हाँ दूसरा पैर सेम, दूसरा पैर की करके दिखाओ, दबाओ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का और कम, बस इतना ही दबाना, इससे भी कम दबाओ। पैर ऊपर रखो उसको, ऊपर पहले की तरह सेम पहले वाली पोजीशन, हाँ रख लिया, अभी ऊपर वाला पैर ना सीधा रखो, ऐसे रखना नहीं है, हाँ तक इसको ऊपर लगाना, हाँ ऐसे लगाना है, नीचे वाला पैर हल्का सा बैंड करना, सोच रहे 4 अंगड़ बैंड करके नीचे ऊपर उठना वापिस, बहुत बढ़िया। हाँ हाथ भी ऐसे मत रखो, लोड पड़ेगा, पैर पर रख लियो, कमर पर लीजिए, कमर पर लगाया करो, कमर पर ऐड रख लो, ऐड कंफर्टेबल है, नहीं कमर पर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके अनुसार हो तो। हाँ पूरा नहीं उठाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दबाना है, हड़का हड़का दिमाग में रखना, ऊपर वाला पैर अभी बैंड नहीं होना चाहिए, जैसे इसके सेम है 10-12 करो, और उसके 3 सेट है। अभी आपने करना है हिल एंड डांस, ठीक है, हिल एंड डांस नॉर्मल कराया करते हैं आप ग्राउंड में, कैसे करते थे बताओ, करके नॉर्मल करते हैं ना, अभी आपने क्या करना है, इसी में थोड़ा सा चेंज लेना है, पैर खोलना है आपके, पैर खोलो बस थोड़े से, हाँ ज़्यादा नहीं अपने अनुसार, ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा हिल डांस, कमर चारों तरफ घुमानी है आराम आराम से, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ चारों तरफ आराम आराम से, ज़बरदस्ती नहीं करनी बिल्कुल भी शरीर के साथ, आराम आराम से, जितना शरीर ने सहन हो उतना ही आराम आराम से, 10 जैसे 10 बार कमर एक साइड से घुमा दी, 10 बार फिर दूसरी साइड से घुमा दी, 10 बार करनी 8 बार करनी वो आप बात है, ठीक है, सोलो सोलो अभी दूसरी साइड से करो, बहुत बढ़िया, दोनों साइडों से करनी है आराम आराम से,
अभी अगली एक्सरसाइज है, आप दीवार पर लगाओ इस पर अपने उद्धि पात रख लो दोनों दोनों, ठीक है उद्धि पात रखा। अभी जैसे अपन ग्राउंड में करते थे ना अप डाउन, तो अप डाउन करने हैं, घुटने बैंड करने, आराम आराम से, पूरा नहीं जाना है सुपर, हाँ आराम आराम और कम करने, बहुत बढ़िया ऐसे, ये नीचे नहीं जाना ज़्यादा, बस इतना ही बहुत, कमर पे थोड़ा कोशिश करो, थोड़ी सी सीधी रखो कमर ने, आराम आराम से, बढ़िया है। अभी आपके अगले एक्सरसाइज, ठीक है इस पर, इस पास रखो एक हाथ इस पौधी पे, हाँ अभी पैर न उठाओ आप, करना 90 डिग्री तक, कौन सा कोई भी एक उठा लो पहले, स्टार्ट करना आपने किसी से भी कर सको, हाँ अभी डाउन फिर दूसरी साइड, हाँ ऐसे आराम आराम से, इसमें भी सेम है, बस कोई भी चीज़ हो, कोई भी करना लग रहे हो एक्सरसाइज, आप जब कुछ भी कर दो, चाहे आप कोई एक्सरसाइज हो, योग हो, मतलब शरीर की कैपेसिटी के अनुसार, ऐसा नहीं है कि अपना शरीर अभी पहले की तरह नहीं है भाई, कि आप पहले नॉर्मल आप ज़बरदस्ती कुछ भी कर लिया करते, वेट उठा लिया करते, 9 मंथ में तो ऐसा है भाई कि आप बिल्कुल सारी सारी एक्सरसाइज अपने नॉर्मल नॉर्मल करनी पड़ेगी, ये पहले की तरह अभी नॉर्मल खाट से भी आप उठाना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम उठ गए तो बिल्कुल पहले टेढ़ा होना है शरीर, सीधा किसी का टेढ़ा, अरे क्यों डॉक्टर ने मेरे तेरी बात बताई है तो उसके हिसाब से मैं बताने लग रहा हूँ भाई, पहला टेढ़ा होना है फिर थोड़ा सपोर्ट लेके उठना है, अगर दीवार आप कई बार सोचता नहीं भाई थोड़ी सीढ़ियाँ पकड़ने वाली एक्सरसाइज कर लिया तो एक हाथ सीढ़ियाँ बस स्टीयर ऊपर पकड़ने वाली जो है ना पाइप वगैरह उनती पकड़ करना है या दीवार ना पकड़ गए एक हाथ पेट पर लगा कर, तो ऐसे तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी एक्सरसाइज के साथ, और कोई भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं करनी है जिस प्रैक्टिस अब जब तक डॉक्टर अपना ना बोल रहा है भाई कि प्रैक्टिस करनी है, अगर डॉक्टर ने बोल रखे आप प्रैक्टिस कर सको हो हड़की फुड़की तो आपने करनी है, अगर नहीं बोल रखे है तो बिल्कुल नहीं करनी है, तो ज़बरदस्ती नहीं करनी भाई कि प्रैक्टिस करने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो प्रैक्टिस करने से नॉर्मल हो जाती है लेकिन प्रैक्टिस करने से नुकसान भी हो जाता है, क्यों कईयों का शरीर ना होता प्रैक्टिस लायक, भाई कईयों को पहले ही प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है और फिर आप कर लें ऊपर देना, तो इसलिए थोड़ी 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 करनी है। आप दीवार पाथ पर कुछ पौधे फिर सेम पैर ने साइड में निकालो, पहले जैसे आप पहले स्ट्रेचिंग कराया करते पैर की, तो पैर खोलो साइड में, हाँ आराम आराम से, आराम आराम से निकालो, थोड़ा और ऊपर उठा सको तो आप उठा सको आपका क्षमता के अनुसार, हाँ आराम आराम से, जैसे इसकी आप 10 एक बार करो, ज़्यादा नहीं है 10 बार किया साइड में कट गए इबाग है आगे पीछे सेम, हाँ आगे पीछे, हाँ धीरे धीरे बिल्कुल लूज होकर जाने दो पैर ने, हाँ आगे जाने लग रहा है तो पीछे भी जाने दो और आराम आराम से, ऊपर तो शरीर ना हिलाओ ज़्यादा, ऊपर वाला शरीर ने रोको, सिर्फ पैर पैर की बात है, ऊपरला शरीर ने कमर ना हिलाने देवे, ऊपरला ऊपरला शरीर ने रोक, निचला निचला पैर आगे पीछे, दूसरा चेंज कर, हाँ तो ऊपरला शरीर ने कंट्रोल कर, निचला निचला पैर ही लाना है आराम आराम से, हाँ ये बहुत बढ़िया, साइड में तेरा शरीर ऊपर तक नहीं लाने लग रहा, नीचे नीचे तेल है बढ़िया, तो जब आगे पीछे हुआ है उस टाइम पर क्या करना था ना, निचला ऊपरला ऊपरला शरीर कंट्रोल, निचला शरीर आगे पीछे रिलैक्स, हाँ ये अभी सही है बहुत बढ़िया, हम्म